दोस्तों, रामायण की कथा तो आप सभी ने सुनी या पढ़ी होगी, जिसमें श्री राम और माता सीता के जीवन से जुड़े पहलुओं को और किस तरह अधर्म पर धर्म की जीत होती है इसे दिखाया गया है। उन्हीं में से एक कहानी में बताया गया है कि कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अपनी पत्नी सीता को एक धोबी की बातों में आकर अयोध्या छोड़कर जाने को कह दिया था। लेकिन क्या आपको पता है कि वो धोबी के रूप में जन्मा एक पक्षी था, जिसके श्राप की वजह से ही माता सीता को वन में भटकना पड़ा था। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, माता सीता को श्राप मिला था, जिसकी वजह से उन्हें भगवान राम से दूर रहना पड़ा। और तो और, उन्हें इस दौरान काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि माता सीता से ऐसा कौन सा पाप हो गया जिसके चलते उन्हें इतना सब कुछ सहना पड़ा। तो दोस्तों, ज्यादा मत सोचिए, आज के वीडियो में हम उसी श्राप से पर्दा उठाने वाले हैं। दोस्तों, ये उन दिनों की बात है जब मिथिला नगरी में जनक राजवंश राज करता था। उन्हीं में से एक राजा सिरध्वज थे। एक बार यज्ञ के लिए वो जमीन जोत रहे थे, उसी समय जमीन से एक छोटी कन्या निकलती है। इस सुंदर कन्या को देखकर राजा को बहुत खुशी हुई। फौरन उन्होंने उस कन्या को अपनी पुत्री बना लिया, जिसके बाद उन्होंने उसका नाम सीता रखा। एक दिन सीता अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में खेल रही थी। वहां उन्हें एक तोते का जोड़ा दिखाई दिया, जो देखने में बहुत ही सुंदर था। वो दोनों पक्षी एक पेड़ की शाखा पर बैठे बात कर रहे थे कि पृथ्वी पर श्रीराम नाम के विख्यात एक बड़े सुंदर राजा होंगे, उनकी महारानी का नाम सीता होगा। श्रीराम सीता के साथ कई वर्ष तक राज करेंगे। धन्य है वो जानकी देवी और धन्य है वो श्रीराम। और तोते के जोड़े की ये बात सीता माता बड़े ध्यान से सुन रही थी। जैसे ही उन्होंने उनके मुंह से अपना नाम सुना, उन्हें एहसास हो गया कि ये दोनों तो मेरे ही बारे में बात कर रहे हैं। जिसके बाद उन्होंने सोचा कि क्यों ना इन्हें पकड़कर मैं इनसे अपने जीवन से जुड़ी सारी बातें पूछ लूं, क्योंकि ये कोई साधारण तोते नहीं लगते। जरूर इन्हें कुछ ऐसा मालूम है जो कि मुझे नहीं पता है। जिसके बाद उन्होंने अपनी सहेलियों से उन दोनों पक्षियों को पकड़कर लाने को कहा। उनकी सहेली उस पेड़ के पास गई और दोनों पक्षियों को पकड़कर ले आई। जिसके बाद माता सीता उन पक्षियों से कहती हैं कि तुम दोनों बहुत ही सुंदर हो, देखो डरो नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तुम बस मुझे ये बताओ कि तुम कौन हो और कहां से आए हो, और ये जो तुम राम की बात कर रहे थे, ये राम कौन है और सीता कौन है, तुम्हें उनके बारे में कैसे पता है। पहले तो माता सीता के पूछने पर वो तोते कुछ भी बताने से मना कर देते हैं, लेकिन जब माता सीता उनसे काफी अनुरोध करती हैं, तब दोनों पक्षी बताते हैं कि एक बहुत विख्यात महर्षि वाल्मीकि हैं, हम दोनों उन्हीं के आश्रम में रहते हैं। महर्षि ने रामायण नाम का एक ग्रंथ लिखा है, जिसका पाठ उन्होंने अपने शिष्यों को भी करवाया है। उन पक्षियों ने सीता को यह भी बताया कि इस ग्रंथ में महर्षि वाल्मीकि ने बताया है कि महर्षि ऋष्यशृंग के द्वारा किए गए पुत्रेष्टि यज्ञ से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ये चार मानव का शरीर धारण कर पृथ्वी पर जन्म लेंगे। बड़े होने पर श्री राम महर्षि विश्वामित्र और अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ हाथ में धनुष लिए मिथिला आएंगे और शिव जी के धनुष को तोड़कर सीता से विवाह करेंगे। फिर उस पक्षी जोड़े ने आगे कहा कि हे सुंदरी, हमने तुम्हें सब कुछ बता दिया जितना हमें पता था, अब हमें छोड़ दो, हम जाना चाहते हैं। पक्षियों की बात सुनकर माता सीता के मन में और भी बातें जानने की इच्छा हुई। उन्होंने उन दोनों से पूछा कि राम कहाँ होंगे, वो किसके पुत्र हैं, कैसे वो मिथिला आकर जानकी से विवाह करेंगे। नर तोता बोला, श्री रामचंद्र का मुख कमल के समान सुंदर, नेत्र बड़े और खिले हुए, नासिका यानी नाक ऊंची, पतली भुजाएं घुटनों तक, गला शंख के समान होगा। मैं उनका क्या वर्णन करूं, जिनके गुण का बखान सौ मुखों वाला भी नहीं कर सकता। दोनों पक्षी कहते हैं कि जानकी देवी धन्य हैं, जो जल्द ही रघुनाथ जी की पत्नी बनकर उनके साथ कई वर्ष तक राज करेंगी, लेकिन देवी तुम कौन हो। पक्षियों की बात सुनकर माता सीता ने कहा, जिसे तुम लोग जानकी कह रहे हो वो मैं ही हूँ। इसके बाद माता सीता उन्हें कहती है कि मैं तुम दोनों को तभी छोड़ूंगी जब श्री राम यहाँ आकर मुझसे विवाह करेंगे, तब तक तुम दोनों आराम से मेरे घर में रह सकते हो। ये सुनकर मादा तोता जानकी से कहती है कि हम वन के पक्षी हैं, हमें घर में सुख नहीं मिलेगा, मैं गर्भवती हूँ, मुझे जाने दो, मैं अपने स्थान पर जाकर बच्चा पैदा करूंगी।
आप चाहे तो मैं उसके बाद फिर से यहाँ आ जाऊंगी। इतना अनुरोध करने के बाद भी सीता जी ने उन्हें नहीं छोड़ा। तब उसके पति यानी नर तोते ने कहा, सीता मेरी पत्नी को छोड़ दो, वो गर्भवती है, जब ये बच्चों को जन्म दे देगी तब उसे लेकर मैं फिर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तब माता सीता ने कहा, तुम आराम से जा सकते हो, लेकिन मुझे ये बहुत पसंद है, तुम घबराओ नहीं, मैं इसकी अच्छे से देखभाल करूंगी। जब सीता ने उस मादा तोते को छोड़ने से साफ मना कर दिया तब वो पक्षी दुखी हो गया। पक्षी दोबारा सीता जी से निवेदन करता है कि मैं अपनी पत्नी के बिना जिंदा नहीं रह सकता, इसलिए इसे छोड़ दीजिए। जिसके बाद माता तोते ने कहा कि माता सीता आप बहुत अच्छी हो, मेरे पति की प्रार्थना मान लीजिए। इस तरह उन दोनों ने माता सीता को बहुत समझाया, लेकिन सीता ने उसकी पत्नी को नहीं छोड़ा। तब मादा पक्षी ने क्रोध में सीता को श्राप दिया कि नारी, जिस प्रकार तू मुझे इस समय अपने पति से अलग कर रही है, वैसे ही तुझे भी स्वयं गर्भवती अवस्था में श्री राम से अलग होना पड़ेगा। जिसके बाद नर तोते को मजबूरन वहां से अकेले ही जाना पड़ा। कुछ दिन बाद पति से बिछड़ने के दुख में मादा पक्षी यानी मादा तोते के प्राण निकल गए, और पत्नी की मौत की बात जब नर तोते को पता चली तो नर तोता पत्नी की मौत से बहुत ज्यादा दुखी हो गया। जिसके बाद वो सीता माता के पास गया और फिर से वो सीता जी से बोला कि मैं मनुष्यों से भरी श्रीराम की नगरी अयोध्या में जन्म लूंगा, और मेरे ही कारण तुम्हें अपने पति के वियोग का दुख उठाना पड़ेगा। जिसके बाद वो सीता माता के सामने ही अपने प्राण त्याग देता है। जिसके बाद माता सीता को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है, लेकिन वो कहते हैं ना कि किए को कौन बदल सकता है। ठीक ऐसा ही हुआ माता सीता के साथ, उनको भी अपने इस कर्म के चलते आने वाले भविष्य में काफी कुछ सहना पड़ा। दोस्तों, तोते के दिए हुए श्राप के अनुसार कुछ साल बाद उसका जन्म अयोध्या में धोबी के घर होता है, और बाद में उसी धोबी के कारण माता सीता को अपने पति श्री राम से अलग होना पड़ता है। उस तोते का ही श्राप था जिस वजह से रामायण के अंतिम चरण में सीता जी को उनके पति श्री राम से बिछड़ना पड़ा था और धरती में समाना पड़ा था, और जब वो गर्भवती थीं तो उन्हें भी पति से दूर वन में अपना जीवन व्यतीत करना पड़ा था। दोस्तों, आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा कि हमें हमारे कर्मों का फल यही मिलता है। इस कहानी से ये बात सिद्ध भी हो जाती है कि कर्म के फल से कोई बच नहीं सकता, पर चाहे वो भगवान राम हो या माता सीता, सभी को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। दोस्तों, इसके अलावा भी माता सीता के वियोग की कथा अन्य पुराणों में अलग अलग मिलती है। उन्हीं में से एक पुराण में ये बताया गया है कि उनका संबंध देवऋषि नारद से था। उस कथा के अनुसार एक बार नारद जी को अभिमान हो गया कि कामदेव भी उनकी तपस्या और ब्रह्मचर्य को भंग नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने ये बात अभिमान में शिव जी के बाद श्रीहरि को बताई। तब श्री हरि ने ये योजना बनाई कि नारद को इस बात का घमंड हो गया है जो कि सही नहीं है, इसके लिए उन्होंने एक योजना बनाई और माया रची। जिसके बाद एक दिन जब नारद श्री हरि से मिलने आए तो जब वो श्री हरि को प्रणाम करके आगे बढ़े तब उनको एक भवन दिखाई दिया जहां राजकुमारी विश्वमोहिनी को देखकर वो मोहित हो गए, लेकिन असल में ये सब एक माया थी। लेकिन राजकुमारी का रूप नारद जी का तब भंग कर चुका था, और वो राजकुमारी को पाने के लिए भगवान विष्णु के शरण में पहुंचे और कहा कि हे प्रभु, आप मुझे अपना श्रीहरि का सुंदर रूप दे दीजिए। तब भगवान ने कहा कि हे नारद जी, ऐसा ना हो कि आप इस रूप को लेकर बाद में पछताएं। दरअसल नारद जी राजकुमारी का रूप देकर भूल गए थे कि श्रीहरि नाम से उनका एक रूप बानर भी है। तब उन्होंने वही रूप नारद जी को दे दिया। जब नारद जी राजकुमारी विश्वमोहिनी के स्वयंवर में पहुंचे तब पूरी सभा बंदर वाले मुंह को देखकर हंसने लगी, और राजकुमारी ने भी नारद जी के मुंह को देखकर उन्हें वरमाला नहीं पहनाई। तब नारद जी ने सोचा कि आखिर सभी मुझे देखकर हंस क्यों रहे हैं और राजकुमारी ने मुझे माला क्यों नहीं पहनाई। तभी भगवान विष्णु सभा में पधारे और राजकुमारी ने उनको माला पहना दी। तब उन्होंने पानी में अपना मुख देखा तो वानर वाला मुख देखकर वो क्रोधित हो गए, और क्रोध में उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि जिस तरह मैं स्त्री के लिए तड़पा हूं, आप भी पृथ्वी पर स्त्री वियोग का सामना करेंगे। लेकिन उनके इस दिए हुए श्राप के चलते भगवान विष्णु के अवतार राम जी और माता सीता को वियोग का सामना करना पड़ा। तो दोस्तों, ये थी पुराणों द्वारा बताई गई वियोग की गाथा। आपको हमारी आज की जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और ऐसे ही वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर
ऑन कर लें धन्यवाद।